कि समुद्र का पानी ही अनुकूल नहीं है किसी को। समुद्र के पानी को शुद्ध करने की ताकत तो भगवान और ईश्वर और वाहेगुरु के ही पास है और किसी के पास नहीं, आदमी तो नहीं कर सकता। ये समुद्र का पानी जब धूप पड़ती है वेपराइज होता है, बादल में बदलता है, बादल फिर बरसता है, पानी आता है, वो जो साइकिल है वो ईश्वर की प्रकृति की साइकिल है, हमारी नहीं, वो ही कर सकता, हम नहीं कर पाते। लेबोरेटरी में कितना भी हम शुद्ध करें वो नहीं आ पाता। और दूसरी जानकारी कि सारे नमक समुद्र वाले ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हैं। समुद्र के पानी का जितना नमक खाएंगे ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ेगा आपको। और आजकल ब्लड प्रेशर एक कॉमन डिसीज हो गई है जो किलर है, किसी को भी मार डाले। हर दूसरे तीसरे आदमी को पूछ लो तो कहता बीपी हाई है। उसका सबसे बड़ा कारण है नमक जो हमारे घर में है। मैं आपको और एक ऐतिहासिक जानकारी देना चाहता हूं, सुन के आपको खराब जरूर लगेगा लेकिन वो सच है। वो ये है कि ये समुद्र के पानी का नमक हम भारतवासियों ने मात्र 70 साल पहले से खाना शुरू किया है। 70 साल पहले कोई भारतवासी समुद्र के पानी का नमक नहीं खाता था। हम सब सेना नमक आयोडीन के नाम पर। अब समस्या इसमें एक आती है, वो ये कि हमको आयोडीन की डिफिशियंसी है नहीं क्योंकि हम आधा कटोरी दाल रोज खाते हैं। फिर हम एक्स्ट्रा आयोडीन वाला नमक खाएंगे तो आयोडीन जरूरत से ज्यादा शरीर में हुआ तो समस्या आती है। और वो समस्या क्या आती है, सबसे बड़ी समस्या आती है नपुंसकता की। सरप्लस आयोडीन जितना भी शरीर में आएगा आपको लगातार नपुंसक बनाता जाएगा, इम्पोटेंसी आप में आएगी। और हमारे देश में ये केसेस अब आने लगे हैं। मैं तो डॉक्टर की तरह से भी काम करता हूँ पिछले 12 साल से और ट्रीटमेंट देता हूँ, निशुल्क देता हूँ, फुकट में चिकित्सा करता हूँ, इसलिए बहुत पेशेंट होते हैं मेरे पास। ऐसे हजारों पेशेंट हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा। मैं दोनों की रिपोर्ट निकलवाता हूँ, पति की पत्नी की, कहीं कोई मुझे कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आता। लास्ट में फिर मैं डायग्नोसिस करते हुए आयोडीन का चेक करवाता हूँ तो उनके ब्लड में जरूरत से ज्यादा आयोडीन मिलती है। जरूरत से ज्यादा आयोडीन ब्लड में अगर है तो ये क्या करेगी, आपके स्पर्म काउंट कम कर देगी अगर आप पुरुष हैं तो, और अगर स्त्री है तो आपका ओव्यूलेशन का काम खत्म कर देगी और फिर आप माँ या पिता नहीं बन पाएंगे। ऐसे हजारों केस आए। फिर मैं क्या करता हूं, जब मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लगता, आयोडीन सरप्लस दिखता, मैं उनको कह देता हूं नमक बदल दो, आप ये सेंधा नमक खाना शुरू करो, काला नमक खाना शुरू। 1 साल के बाद वो आते हैं कहते हैं बच्चा तो हो गया। 1.5 साल में आके कहते हैं बच्चा तो हो गया। फिर वो मुझे कहते हैं आप तो बड़े चमत्कारी आदमी हैं। मैं कहता हूँ मेरा कोई चमत्कार नहीं है, आप में बड़ी सिद्धि है, ऐसी बातें करना शुरू कर देते। मैं कहता हूँ ये मेरा चमत्कार नहीं, नमक का चमत्कार है। इतनी सिंपल सी बात है। किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी लेवल कम हो रही है, सेक्स पावर कम हो रही है, आप सिंपल इतना ही करो, नमक चेंज कर दो। आप नमक चेंज करते ही आप देखना आप में चेंजेस आएंगे मिरेकुलस। तो नमक का हमारे देश में आज की जमाने